कहाँ से आ रहा? मेरी हसरत पूरी करने को आया था, मेरे को भेजे थे तो आया था मैं। अच्छा, भेजे गया था तो क्या करने आया था? उसको खत्म करने को आया, जोर से खत्म करने को आया था उसको मैं। हाँ। खत्म करने को आया था मैं इसको। अच्छा, मेरी हसरत पूरी करने की थी मेरे को। हसरत क्या? उसको लेके जाने का था मेरे को। जोर से लेके जाने का था मेरे को उसको, मेरी हसरत पूरी करने की। जोर से पूरी ताकत लगा के तेज के साथ और तेजी से। हाँ, जोर से क्या करने का था? मार देने का था उसको। हाँ, जोर से बोल, मैं जोर से सुनना चाहूंगा। दम से वैसे भीगी बिल्ली बन गया क्या यहाँ आने के बाद में? वहां लोगों को बहुत ताकत दिखा रहा था, मुझे दिखा तेरी ताकत, चीर दूंगा अभी दो टुकड़ों में। जल दे, क्या करने का था? वो बच्ची को मारने का था गला गला के। हाँ, जबान से बोल। हाँ, या ना? हाँ, कहाँ से आ रहा? मेरी हसरत पूरी करने को आया था, मेरे को भेजे थे तो आया था मैं। अच्छा, भेजे गया था तो क्या करने आया था? उसको जोर से खत्म करने को आया था उसको मैं। हाँ। खत्म करने को आया था मैं इसको। अच्छा, मेरी हसरत पूरी करने की थी मेरे को। हसरत क्या? उसको लेके जाने का था मेरे को। जोर से लेके जाने का था मेरे को उसको, मेरी हसरत पूरी करने की मेरे को। और क्या करने का था? मार देने का था उसको फाइनल। मार के कहाँ ले जाने वाला था तू उसको? बीबी बना के तो छोड़ देने वाला था ऐसा मौका? क्या करने वाला था? खत्म कर देने का था उसको। जोर से खत्म कर देने का था उसको। और उसका क्या लेके गए थे जादू करते टाइम पे? क्या नाम है पेशेंट का? रुखैया। रुखैया का क्या लेके गए थे? शर्ट, कपड़ा, मट्टी, बाल, चप्पल, क्या लिए थे जादू करते टाइम पे? उसके पैर की मट्टी लग गए थे हमने। पैर की मट्टी लिए थे? पैर की मट्टी लग गए थे। और पैर की मट्टी ले जाते टाइम पे कितना वक्त होगा ले जाकर? एक साल हो रहा। जोर से एक डेढ़ साल हो रहा उसको ले जाके। एक डेढ़ साल होगा। अच्छा, वो मट्टी ले जाकर जादू कहाँ से करे? शमशान से, कब्रिस्तान से? शमशान से करे। फिर उसपे क्या ला कर डाल, क्या खिलाए उसको? किस चीज में मिला कर खिलाए थे? राख में खिलाए थे। जोर से राख में खिलाए थे उसको, मुर्दे की राख उसमें मिला कर लाए थे दवा। और वो दवा को किस चीज में मिला कर खिलाए? खाना क्या था वो? चाय में मिलाए थे हम। चाय में? कितना टाइम होगा चाय में मिला कर? कितने साल हो गए? एक डेढ़ साल होगा। अच्छा, और एक सवाल, उसको कितने बार खिलाए दवा? एक ही बार के बार बार? एक ही बार खिलाए। अच्छा, और मैंने नाम नहीं पूछा अभी किसी का, कौन डाले कहाँ से आ, उनका नाम अभी नहीं बयान करना, आगे नाम पूछूंगा। एडवांस सवाल के जवाब दे तो जवान कतर दूंगा। बता, जो जादू करने वाले लोग है वो बच्ची के ससुराल के तरफ के मायके के तरफ के दोस्ताने के है? जोर से किधर के है? जोर से बोल कम बखत। किधर के तरफ के? नजीक ला के आमरा। किधर के तरफ के? वो बच्ची के, रुखैया के, मायके के तरफ के है के ससुराल के? ससुराल के। हाँ, ससुराल की तरफ से मेरी बड़ी जिठानी है। नाम नहीं पूछा मैं अभी, पूछा तुझे एडवांस के सवाल? हाँ, नहीं नहीं, ससुराल की तरफ से हूँ मैं। दोनों हाथ कतर लूंगा, वो क्या करेंगे जा दे तो। बहुत हसरत से करे गया तुम, बहुत
और इसके घर में किस किस को मारने आले बच्चों को? उसकी हसद थी बस, उस पे ही कर रहे थे हसद का। और उसको मारने का मर्द को भी क्या? नहीं, औरत मर्द में किरकिरिया कौन लगा रहे थे? तू कर रहा था क्या अंदर बैठ के? हाँ, उसके मर्द की कमाई की बरकत कौन उड़ा दिया था? तू उड़ा दिया था क्या? कितने साथियां हैं तेरे शमशान से? कितने साथियां छोड़े? और जोर से कितने छोड़े आले? पूरी टीम छोड़े थे मेरे पीछे, पूरे तेरे साथियां और हैं। चलो इसको जकड़ के लो, इसको और तेजी के साथ में। जादू कर रहे है तो तुझे पावर कब मिल रहा? अम्मास में मिल रहा कि पुन्ना में मिल रहा है लड़की को मारने का? अम्मास में इस तरह मारा? कभी भी मौका देख के मार देने का? रुखैया को कैसा मारने का? बीमारी डाल के सुसाइड करके एक्सीडेंट करा के कैसा मारने का? बीमारी डाल के सड़ा सड़ा के मारने का है? अच्छा अभी बहुत टाइम करीब आ गया क्या उसकी जान लेने का? हाँ वक्त करीब है क्या? क्या पूछा जवाब? घर पे कितने बार हाजिर हुआ? घर पे 2 साल से ऐसी नाटक कर रहा है। आरा आरा यारा मैं तो यौन लेके जाऊंगा, मैं वो करूंगा, एकदम कारोबार भी एकदम ठप। अरे जाता ऐसे मन माना करता? मैं तो लेके जाऊंगा, मैं तो ऐसा करूंगा। अरे जल्दी जवाब आ दे, मैंने तो चीर दूंगा कैमरा नजर खिला रहे। हाँ बोल जल्दी जल्दी फटफट। हाँ जल्दी बयान कर, मैं तो तोड़ देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। कितने बार तूने वादा करा उनके साथ में जा रहा बोल के जा रहा नहीं, वो दवा इसको खींच के बुला रही, लोग चिमक कर बुलाता वैसा। हाँ अब्बा का रात चल रहा तेरे उल्टा के बोल। नहीं नहीं वैसा नहीं, वैसा इतने दम से बोलता जला के उसको राख करेंगे। इधर का नहीं पकड़ते, पीछे से पकड़ दो ना हाथों को। क्यों सता रहा था? नहीं मुझे सुने नहीं आ रहा, अब सुने नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान करता था पहले, बहुत काम कर दिया मैंने उसको। इधर ढकलो, हाँ नहीं नहीं हाथ ढकलो इधर उनका। हाँ जकड़ो उसको तेज के साथ में। हाँ बोल, जा रहा नहीं जा रहा था? हर बार लोगों से वादे कर रहा जाने के, वापिस आ जा रहा, जला देंगे। तेज के साथ में जकड़ो उसको। जा रहा मैं, जा रहा नहीं, सुने नहीं आ रहा मेरे को, जोर से जा रहा मैं, जा रहा नहीं आ रहा, जला जा रहा मैं, जा रहा मैं। सताएंगा घरों में जा रहा। जला के पूरा राख करेंगे उसको। लाओ इधर पकड़ो उसको, जला उसको तेज के साथ में। झूठे वादा कर रहा हूँ लोगों को, वादे कर रहा जाने के, ना रहा रिटर्न। अब्बा का रात चल रहा वैसा। हाँ नहीं 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 नहीं, चले जाऊंगा मैं, अभी चले जाऊंगा मैं, जाऊंगा नहीं जान देते, पूरा जला देंगे तुझे, कस जान देते। अब्बा का रात चल रहा तेरे, चले जाऊंगा मैं, नहीं नहीं चले जाऊंगा मैं, चले जाऊंगा पूरा ना, नहीं 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 छोड़, नहीं पूरा जला देते, कपड़ा डालो उसके सिर पे। नहीं चले जाऊंगा मैं, मजाक कर रहा था लोगों के साथ में, चले जाऊंगा ऐसा समझा था मेरे को, तो नींबू काटने वाला समझ रहा था तू, बता दो। नहीं चले जाऊंगा मैं, चले जाऊंगा। ये ऐसी बोलता 2 साल, हर जगह ऐसा बोला बोलते हैं, चले जाऊंगा ही बोलता बस। और अपन घर पे आए ना, फिर उसको ले आऊंगा। बहुत अंगार हो रही है, नहीं जला देते, पूरा जला देते, दोबारा सताना नहीं तूने बोल के। अच्छा ये बोलती अभी ये क्या बोली? मेरे को बहुत अंगार हो रही मौला, लोग गफलत में आए थे कि अरे रुखैया बोल। तो तुम्हारा को लगता कि उन्हें बोलता मैं, पेशेंट नहीं बोलता वो, उन्हें छल करता उसको, छल वो तुम कहो बदमाशा करता, बहुत उल्लू बनाता, बहुत उल्लू 2 साल से वही कर रहा हूँ। और घर में मेरे को तंग कर रहा हूँ, पिता पीछे से गर्दन में से दांत गड़ा के, और उसको क्या बोलते तो बीबी बना के रखता, पूरी हरकत मियां बीबी के जैसे दास्तान करता। नहीं छोड़ते नहीं, झगड़ो उसको तेज के साथ में, आग लगाओ उसको, पूरा जला के राख करेंगे उसके, हाथा सब कतर के भस्म करेंगे। नहीं मैं गज पकड़ के दो हाथ, मैं नाखून में आएगा, दोबारा आएगा नहीं आऊंगा मैं, आता नहीं सतेंगा, नहीं सतूंगा, नहीं मैं कतर देता पूरा जला के राख कर, नहीं सतूंगा उसको मैं, सतेंगा दोबारा जान लेगा। नहीं तू ऐसे जो वादे कर रहा सबके सामने और फिर रिटर्न आ गया, अब
यहाँ पे वादा खिलाफी करेगा तो तेरा क्या करना, तेरे भरोसा कैसे करना? पकड़ो जी उसको, दोनों उसके हाथ कस के पकड़ो, उसको जला के राख करेंगे उसको। कैमरे वाले नजदीक लाओ, उन्हें बोल रहा तोबा कर, जल्दी छोड़ते नहीं देखो तोबा कर। तोबा तोबा मैं बहुत तकलीफ हो रही मौला, नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते भाई, मेरे बहुत जान दिंगा जान, उसको बच्ची को तकलीफ दे रहा था, अब दिंगा उसको तकलीफ दोबारा, जाना पड़ता छोड़ के चले जाना पड़ता। एक तो मेरे पास गुलाम बन के रहना, तो उसको छोड़ के चले जाना, दोनों में से। नहीं भाई मैं बहुत तकलीफ में हो रही, पकड़ो जी उसको जला के रखना। मैं सही बोल रही, मैं बहुत तकलीफ हो रही है, मैं नाम उसको छोड़ छोड़ के चले जाना पड़ेगा उसको, इज्जत से छोड़ के चल जाऊंगा, छोड़ के जा, छोड़ के चल जाऊंगा मैं, छोड़ के जाऊंगा तो छूंगा, पकड़ो छोड़ने के कौन बोले तुम, पकड़े उसको छोड़ के चल जाऊंगा मैं उसको। नहीं नहीं तेरे हाथ कतर देता हूँ, तेरे जला के राख कर देता हूँ, क्योंकि तू साले हर बार छूट बोल रहा और उसकी जान से खेल रहा बच्ची की, वो उसको ले जाने की कोशिश कर रहा, लाओ उसको पकड़ के इधर। नहीं मौलाना मेरे को तकलीफ हो रही ना मौलाना, फिर उंगलियों में तकलीफ हो रही, छोड़ते नहीं रहते वो, कैसे छोड़ेंगे तेरे बाप का राज चल रहा है। सताएंगा दोबारा? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ दोनों कतर के हाथा बाहर टांग देना, अभी काट दूं नहीं, और फौज को बुला रहा हूँ बाहर, सुनो ऐसा मारेंगे तेरे हाथा कतर के, ले लिए दोनों नहीं, बुला रहा हूँ तैयारी कर लूं, ले लू कतर के, हाँ जबान से बोल, जोर से बोल, नहीं सताऊंगा मैं, हाँ नहीं जोर से, नहीं सताऊंगा उसको, जोर से नहीं सताऊंगा, अबे कमीने मजाक कर रहा, जोर से बोल, जोर से बोल, नहीं सताऊंगा, नहीं सताऊंगा मैं इसको, जोर से नहीं सताऊंगा, नहीं सताऊंगा मैं इसको, बगैर हाथ के चले जाओ, उसके अंदर बगैर हाथ का है, मैं मतलब मैं कतर के लेता हूँ, दोनों हाथों बाहर टांग देने वाला हूँ, नहीं सताऊंगा मैं इसको, नहीं नहीं सताऊंगा, नहीं। तू ऐसा हर जगह बोल रहा और भाग जा रहा, फिर वापिस आ जा रहा, तो तेरा क्या भरोसा, मैं छोड़ता नहीं, मैं जला देता हूँ पूरा, मैं तेरे हाथा पारा सब काट के लेने की सोच रहा हूँ, लाओ उसका हाथ काट देंगे पूरा, नहीं नहीं सताऊंगा मैं, बोला ना मौलाना नहीं सताऊंगा, जोर से बोल, दम से सुने नहीं आता, नहीं सताऊंगा, शैतान है तो शैतान की आवाज में बयान करना पड़ता, इंसानों की आवाज में बात कर रहा, अरे इंसान की आवाज में बात करता, सुने नहीं आ रहा मुझे, क्या है सताता, तोबा कर, दोनों हाथा मुंह पे मार के तोबा करो, जल्दी अल्डा के तोबा कर, बाहर तक चीख सुने जाना, जोर से बोल, तोबा तोबा, नहीं सुने आया मुझे, तोबा तोबा, जोर से तोबा तोबा, जोर से तोबा तोबा, जोर से तोबा तोबा, जबान से तोबा अल्टा के, तोबा तोबा, जोर से सताएंगा दोबारा, जोर से बोल, नहीं सताऊंगा, लारे नजदीक लाऊं, जोर से नहीं बोला, सुना नहीं सताऊंगा, नहीं हाँ जोर से सताऊंगा मैं, जोर से नहीं सताऊंगा मैं, नहीं सताऊंगा मौलाना, नहीं आ रहा, हम आपको अभी जला नहीं सताऊंगा, चल रहा है कमीने, हाँ नहीं सताऊंगा, जोर से नहीं सताऊंगा, नहीं सुने, नहीं नहीं सताऊंगा, नहीं सताऊंगा, नहीं सताऊंगा, जोर से नहीं नहीं मौलाना, छोड़ दो मेरे को, सताएंगा, छोड़ दो मेरे को, सताएंगा दोबारा, नहीं जान लेंगे छुपरी की, औरत मरद में झगड़े लगाएंगा, जोर से बोल, नहीं लगाऊंगा, सुने नहीं आ रहा, नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, जोर से नहीं बोलता, नहीं लगाऊंगा, बोला मैं नहीं लगाऊंगा, बीमार करेगा उसको, नहीं हाँ किरकिरा लगाएगा घर में, कमाई में उसकी रुकावट डालेगा मरद के, नहीं लगाऊंगा, मुँह पे हाथा मार, जल्दी मुँह पे हाथा मार, जल्दी दोनों जल्दी मार, पकड़ो जी उठाओ वो, तो अगर जल्दी कमीने, बोल अब दोबारा नहीं सताऊंगा, दोबारा नहीं सताऊंगा मैं, वो हाथा मारते रहे मुझे, मारते मारते बोल, मारते मारते बोल, नहीं सताऊंगा मैं दोबारा, हाँ दोबारा सताएंगा क्या बच्ची को, नहीं ऐसा इधर बीच में मारते जाना रे पुतले की औलाद, हाँ तो अगर जल्दी सताएंगा दोबारा, नहीं सताऊंगा, नहीं सताऊंगा, आएगा वापिस, नहीं औरत मरद में झगड़े लगेगा, नहीं अब दोबारा तू अगर सताएंगा, मुंह पे हाथ मार करेगी, मारते रहे बंद कर बोला मैं, देखो नहीं नहीं दोबारा सताएंगा, आंग में आएगा, घर में परेशान करेगा, तो दूसरी बार देखो मौका नहीं देंगे, दूसरी बार तेरे हाथा काट के ले लूंगा पूरे, समझ गया ना, समझा नहीं समझा, समझ गया, चल निकल बाहर, छोड़ वो बच्ची को, छोड़ छोड़, नहीं
अरे रुकाइया बेगम, चल कर बाहर, चल। अरे बन गयो कैमरे वाले, इधर घूम रहे। ये जो मसला है ये, हाँ हट जाओ पीछे। ये जो मसला है, खबीस नामक जो पिशाच जिन्ना वैम्पायर जिनको बोलते हैं, ड्रैकुला जिसको बोलते हैं, और कंठ पिशाच भी बोलते हैं उसको हिंदी में, वो खबीस बलाएं रहते हैं। वो बलाएं क्या करते हैं, मेल को फीमेल और फीमेल को मेल लगाते हैं, जादू टोना करके औरत को मर्द लगाते उसमें का, और मर्द को औरत पे छोड़ते हैं, अलग अलग दास्तान रहती है, और शादी करा के छोड़ते। तो वो आता बहुत परेशान करता, बहुत परेशान करता, फिजिकली टच भी करता वो, सिर्फ पेशेंट को दिखता, फिजिकली यूज भी करता पेशेंट को टच करके, और लास्ट में यहाँ से दांत गड़ा के गर्दन के हिस्से में कहीं से लड़के को या लड़के को जिसको भी लगा, इनको पीछे रहो थोड़ा पैर लंबे करने के लिए। तो उसमें क्या होता, उन्हें तुम्हारे खून पीता पीछे से दांत गड़ा कर, और बाद में क्या करता, लास्ट में ऐसा कर करके औरत मर्द में झगड़े लगाता, बच्चों की सेहत को सुधरने देता, बच्चे पैदा भी तुमको मारने की फिराक में रहता, बाद में वो पेशेंट को मार के साथ में लेके चल जाता है। बहुत सारी दास्तान है, और वो खुद ब खुद नहीं आता, उसको लाके लगा के छोड़ना पड़ता शादी करा कर। बहुत सारे राज है, वो आगे और भी पूछूंगा इंशाल्लाह सब डिटेल में नामों के साथ में, पूरा सबके लिए कट। अभी नाम इसलिए नहीं पूछा है कि पहले पहले नाम पूछा तो वहाँ शर फैलता, अभी उसको मौका दिए सुधरने का, वो तो नहीं सुधरता। 40 कदम जाने के बाद लोग चिमक का सा लोहे को खींचता और उसके अंदर बढ़िया दवा उसको रिटर्न खींच के ले लेती, और वो आके फिर जैसी की वैसी हरकत करता। तो इसलिए उसको जला के राख करना पड़ता उस दवा को। जब दवा जल जाएगी, जब फ्यूज उड़ जाएगा, तो फिर सारा करण खत्म हो जाएगा, सारा आने वाला पावर हाउस से बिजली पूरी खत्म हो जाएगी। बस तरीके से पहले पावर हाउस उड़ाना पड़ता, और उसके तरीके रहते। अपन अपने दिल से करेंगे इलाज, अपन बोलेंगे या नहीं ऐसा छोना वैसा छोना, तुम्हें नहीं सुनता हूँ नहीं, पहले भी बहुत जगह गए होंगे, बहुत जगह बताए, मगर वो नहीं मान रहा कोई इलाज वालों को, छोटे मोटों को। अब यहाँ आए, अब यहाँ की दास्तान ऐसी है कि यहाँ से नहीं माना तो टुकड़े कर देते अल्लाह के हुक्म से, उसके काट के फेंक दे, भस्म कर देते उसको, क्योंकि उसको कोई हक नहीं है इंसानों को आके परेशान करने का, कोई अधिकार नहीं उसके पास इंसानियत को दुख देने का और परेशान करने का। इसलिए उन इंसानों को, अल्लाह के बंदों को परेशान कर रहा, उसको सजा दी जाएगी, उसको सजा दे के खत्म कर दिया जाता, मगर उससे पहले उसको सब तरीकों से कवच में लेके जला के राख करना पड़ता। जो भी है, सबसे पहले तुम इबादतों के रस्सियों को मजबूती से थामना लोगो, तुम इबादत ज्यादा से ज्यादा करो तो इबादत तुमको सब मामलों में ढाल बन के बचाती। तुम दिन भर दरूद शरीफ पढ़ते रहो, ज्यादा से ज्यादा दरूद इब्राहिम, तुम बहुत सारे वबाओं से बीमारियों से सबसे बच के रहते। चारों कुल पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, बहुत सारे बातें हैं अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे। मैं क्या बताऊँ तुमको, क्या बयान करूँ तुमको, बता दिया मैंने कि कुरान तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने ढाल बना कर भेजा है दुनिया और सारे दुनियाई आसमानी आफतों से, वबाओं से, सब चीज़ों से लड़के तुम आपको महफूज रखती हो। वो तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा कवच है, तुम्हारा जैकेट है, तुम्हारा हिफाजत वाला। तुम बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के फिर गोली नहीं लगना। रूहानियत का हमला करे तो वो कौन रुकेगा तुम्हारा, वो तो लगेगा ना कि दंग बोल के। तो उससे बचने के लिए, रुकाने के लिए कुछ तो भी तुमको जिक्र अस्कार इबादत करना पड़ेगा ना। पिक्चर देखने जाते 3 घंटे की, 2 घंटे की, मोबाइल चलाते 10 घंटे, मगर आधा घंटा क्या बोलते तो कुरान नहीं पढ़ेंगे, 10 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे, 5 मिनट की नमाज नहीं होंगी तुम्हारे से पढ़ना, पढ़ेंगे तो तुम वहीं गुजरेंगे। किसी का कुछ नहीं जाता, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी। तुम अगर इबादत करेंगे, तुम अगर ये सब चीजें करेंगे तो तुम महफूज रहेंगे ये सब बलाओं से, वबाओं से, शैतानों से, जिन्नातों से। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। तुम नहीं करेंगे और मनमानियां करेंगे, मैं ये मानता नहीं, मैं वो मानता नहीं, मैं ये करता नहीं, मैं वो नहीं, किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम वबाओं में मुबतला होगी, घिर के गर्क और हलाक हो जाएंगे। और एक बात फरमाता, अल्लाह के नेक बंदों को छेड़ना नहीं और उनको उनके जलाल को छेड़ के अपने आप पर आजाब नाजिल करके नहीं लेना, क्योंकि लोगों क्या चल रहा हो, क्योंकि लोगों एक बात याद रखना, सबसे अहम बात यह है कि तुम अगर क्या बोलते तो जाके जादू टोना तुम पे कर दी, उसका इलाज हो जाएगा यकीनन अल्लाह के कलाम से। तुम बीमारी में दो दवा गोली खाएंगे, डॉक्टरों को देंगे, राइट हो जाएंगे। तुम पर अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा तो फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता, फिर कोई नहीं, सारे दर तुम्हारे वास्ते बंद हो जाएंगे, किसी का दर का दरवाजा नहीं खुल सकेगा, कोई माई का लाल जमीन और आसमान में भी तुमको अल्लाह के आजाब से बचाने के वास्ते, क्योंकि फिर तुम आजाब में फिरौन क्या बच सका क्या अल्लाह के आजाब से, नमरूद, शद्दाद, हामान, ये लोग बच सके क्या अल्लाह के आजाब से। तो वैसे ही तुम याद रखो, तुम भी उनके राह पर चलेंगे, शद्दाद, फिरौन, नमरूद, हामान के, और औलिया अल्लाह को, वली अल्लाह को, अल्लाह वालों को छेड़ेंगे जाके,
और उनको क्या बोलते तो जहमत देने की कोशिश करेंगे, तो कसम खुदा की उनको तो जहमत उनके ऊपर तो कार कर ही नहीं सकती, मगर तुम वबाओं में, बलाओं में, आसमानी बलाओं में भी नहीं, वबाओं में भी नहीं, आजाब इलाही में गिर जाएंगे, और आजाब इलाही से फिर कोई नहीं बचा सकता तुम आपको, फिर गर्क होना ही होना है और हलाक होना। बताओ मुझे, फिरौन को क्या उसकी दौलत ने बचाई, शद्दाद को क्या उसकी दौलत ने बचाई, हमान को क्या उसके दिल दिमाग ने पावर ने कोई चीज ने बचा सका, किसी को कोई चीज ने बचा सका, गर्क हुए नहीं हुए लास्ट में, हलाक हुए नहीं हुए, और इबरतनाक बन गए क्या ना आखिर खयामत तक, और खयामत से लामहदूद जिंदगी तक उनको आजाब सहना पड़ेगा। तो तुम भी आजाब के हकदार मत बनो। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि मेरे औलिया अल्लाह जो है हकीकतन मानने में वही मेरी इबादत करते और वही मेरे से डरते। कोई आलिम अल्लाह से नहीं डरता सही तरीके से, कोई मुफ्ती अल्लाह से नहीं डरता सही तरीके से, कोई खारी कोई बुखारी कोई अल्लाह से नहीं डरता सही तरीके से, क्योंकि अल्लाह से खुद फरमा रहा सही तरीके से कोई मुझसे डरता अल्लाह फरमाता तो वह मेरा वली। और कोई खारी कोई मुफ्ती कोई अहमद कोई बुखारी कोई भी क्या बोलते तो सही तरीके से अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। तुम बोलिए क्या फतवा दे रहे क्या बैठ के, अबे कई को फतवा दूं, अल्लाह फरमा रहा कोई हकीकतन मानू में अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह फरमा रहा सिर्फ अल्लाह का वली हकीकतन मानू में अल्लाह की इबादत करता, कोई अल्लाह से नहीं डरता अल्लाह ने फरमाया हकीकतन मानू में अल्लाह का वली डरता अल्लाह से हकीकतन मानू में, वो मुफ्ती वो खारी वो पंडित वो जो भी होगा हर धर्म का इंसान जाके देखो उनके बैकग्राउंड को चेक करो, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी का हक मारे होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ करे होंगे, वहां ईश्वर से क्यों ना डरे उन्होंने, रिश्वत लेते टाइम पे ईश्वर से क्यों ना डरे उन्होंने, किस पे अत्याचार करते टाइम पे ईश्वर से क्यों ना डरे उन्होंने, किसी पे बहन भाई पे जुलूम करते टाइम पे अल्लाह से क्यों ना डरे उन्होंने, माँ बाप के हुकूक बहन भाई के हुकूक बीवी के हुकूक बच्चे के हुकूक कहीं कहीं कुछ ना कुछ खता करे, जब तो भी अल्लाह फरमाता ना कि कोई नहीं डरता अल्लाह से हकीकतन मानू अल्लाह को बोली, कोई इबादत नहीं करता अल्लाह की हकीकतन मानू अल्लाह को बोली, और तुम जाके अल्लाह के वलियों को छेड़ेंगे तो फिर तुमको बचेगा कौन, कहां से बचेंगे कैसा बचेंगे, घर को के हलाक हो जाएंगे, कोई वबा जादू टोना करनी का डाला हट जाएगा मगर आजाब इलाही नहीं हटती, फिर शद्दाद का कौन से जादूगर ने हटा सका, कौन से उस दौर के फिर किन्होंने हटा सके, बाद में पैगंबरों ने दुआ करने के बाद भी जब आजाब में घेर लेता तो बोलता अब तुम सब हट जाओ पीछे, अब मैं आगा मैदान में अल्लाह फरमाता और आजाब में ले रहा हूँ उसको, जब फिर सबके दुआओं को रद्द कर देता बोलता हटो पीछे किसी की दुआ कबूल नहीं होंगी, अब उसको फाइनली है उसके ऊपर आजाब, अब फाइनली गर्क होने वाला है, फिर अल्लाह मैदान में आगा तो फिर नहीं बच सकते तुम, जब बोलते हैं तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया आप फूटने वाला है, तो वो ऐसी मिसालें हैं, तो इसलिए ही मैं तुमको कहता पहले से ही नेक बनो और नेक रहो, औलिया अल्लाह का अदब करो, बहुत बड़ा मकामात अल्लाह ने उन्हें अता करे, अल्लाह अल्लाह के दोस्त है, छेड़ेंगे जाके तो नस्लें नहीं बचेंगी, नस्लें बची क्या जिन्होंने छेड़े जिन्होंने हाजिर थे जिन्होंने भी शानों में गुस्ताखी करे उनके नस्लें बचे क्या, नस्लें खत्म कर देता अल्लाह इतना जलाल में आता, क्योंकि पहले से फरमा दिया ना उनके साथ में खाली एक लम्हा बैठेंगे अल्लाह वालों की सोबत में एक लम्हा तो 60 साल की इबादत का सवाब दूंगा बोले भाई, और जाके शैतान वालों के साथ में एक लम्हा बैठेंगे जादूगर कने बुत परस्ती करने वाले कने पत्थर की मूरत बना के उसको पूजने वाले कने, तो फिर तुम्हारी 60 साल की इबादत भी रद्द हो जाएगी, एक लम्हा भी उसके साथ बैठेंगे तो समझो। बहुत सारे बातें हैं मेरे बताने के लिए, बहुत कुछ है, मगर तुम मेरे से सवाल करेंगे आमने सामने आकर तो मैं तुमको बताऊंगा खुल के सारे राज, और मैं तुमको राज नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, मेरे प्रैक्टिकल भी थी अली मैंने पूरी दुनिया को प्रैक्टिकल में बताया, बहुत सारे राज है कहने सुनने से ज्यादा, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सबका निचोड़ एक ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम का नजराना भेजा करो लोगों, तुम्हारे घर से दरूद सलाम का नजराना देगा और इबादत ज्यादा से ज्यादा होंगी तो अल्लाह फिर तुम्हारे पे डायरेक्ट नजर करम करता, और जब अल्लाह की नजर करम रहेंगी तो सब बलाओं से हर चीज से अल्लाह तुमको महफूज रखेगा, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे? औरंगाबाद गुलशन मस्जिद, ठीक है चलो।